At Singhania Educational Institute, we're not just prepared for the future. We're actively shaping it with technology and innovation. We are preparing to lead tomorrow. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. रिफाइंड ऑयल और प्रोसेस जैसे अनहेल्दी ऑयल्स ने तो जैसे पूरे मार्केट पर कब्जा ही कर लिया है, मगर अब आप इसकी चिंता ना करें, क्योंकि आ गया है वंश कोल्हू का प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल। लकड़ी कोल्हू मेथड से तैयार, ये है नेचुरल और हेल्दी भी। वंश कोल्हू प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल के साथ, वंश कोल्हू तेल से ही मिलेगा यही। 85 वर्ष से अधिक उम्र के एक बुजुर्ग अपने घर के बाहर बैठे थे कि इसी बीच वर्दी और गंधारी पुलिस जवान के साथ कुछ अफसर आ पहुंचे। अचानक पुलिस के साथ अफसरों को आता देख बुजुर्ग के चेहरे पर हवाइयां तैरने लगी। कुछ देर तक वह बुजुर्ग अफसरों की ओर निहारता रहा कि इसी बीच एक अफसर ने इनका परिचय प्राप्त करते ही दरवाजे पर आने का मकसद बताया तो बुजुर्ग के चेहरे पर गहरी मुस्कान तैर गई। कुछ ही देर बाद वह बुजुर्ग निर्वाचन आयोग को धन्यवाद देते नजर आए। गुरुवार को यह नजारा सिधौली विधानसभा क्षेत्र के अलग अलग कई गांवों में नजर आया। दरअसल निर्वाचन आयोग की तरफ से लोकसभा चुनाव में पहली बार 85 वर्ष व इससे अधिक उम्र के बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं के लिए घर पर रहते हुए मतदान करने की व्यवस्था की गई है। इसी के दृष्टिगत गुरुवार को मोहनलालगंज लोकसभा क्षेत्र के विधानसभा क्षेत्र सिधौली के गांवों में 85 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं के उनके आवास पर जाकर डलवाए गए। पहले दिन 28 बुजुर्ग और 40% से अधिक दिव्यांगता वाले दिव्यांग मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग घर पर रहते हुए किया। इस दौरान मतदाताओं ने निर्वाचन आयोग के इस पहल की प्रशंसा की। सहायक रिटर्निंग ऑफिसर SDM सिधौली अनिल कुमार ने बताया कि क्षेत्र में 40% से अधिक दिव्यांगता वाले बिंदिया तिवारी, राम देवी, रामदत्त सिंह, मीना कुमारी, रामू, जयकरण लाल, चंद्रकली राजरानी एवं 85 साल से अधिक उम्र वाले बुजुर्ग मतदाताओं के वोट डालने का काम किया गया। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।